A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. हेलो दोस्तों, सो आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ साइंस एग्जाम से रिलेटेड। इसमें हमने चैप्टर वाइज लिया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्पेशली डायग्राम्स कवर किए हैं उसके सॉल्यूशन के साथ डायग्राम के। सो होपफुली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये गाइज ये दो तरह के लोगों के लिए वीडियो है, या फिर उन लोगों का जिनका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है उनके लिए लास्ट टाइम पे देख के कुछ जाइए, या फिर उन लोगों के लिए जिनका प्रिपरेशन हो गया है एंड दे आर जस्ट वेटिंग, उनको मतलब कल का इंतज़ार है, कल जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो ये सारे टॉपिक्स करके एक क्विक रिविज़न के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते चलिए स्टार्ट कर लेते फर्स्ट से। जैसा कि आप देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक्सपेक्टेड वेटेज है गाइज 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स के नियर बाई में आना चाहिए। आपको करना क्या था, अगर लास्ट टाइम में आप पूरा फोकस के साथ करें, मत क्या करें आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 साइंस जो है वो फुल एक बार गो थ्रू कर लो आप। 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन है इसमें, आपको पता ही होगा चैप्टर 1 में, विद सम एग्जाम्पल्स। मैं हमेशा बोल रहा हूँ एग्जाम्पल्स अगर आप लिखते हो सॉल्यूशन के साथ तो एग्जामिनर में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन वो पुट करता है और अच्छे मार्क्स लाने, फुल मार्क्स लाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो एग्जाम्पल प्लीज़ प्लीज़ फोकस ऑन दिस, जो भी है आप एग्जाम्पल जरूर पुट करें। नेक्स्ट, ऑल द रिएक्शन आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड दिस ईयर। क्वेश्चन पेपर जितने भी पास्ट ईयर के वो देख लो आप, काफ़ी अच्छे आपके हो जाएंगे हेल्पफुल। तो जितने भी ये रिएक्शन से रट लो, ठीक है। नेक्स्ट मेरा कंसर्न है कि सम केमिकल रिएक्शन आर ऑल्सो मैंसन इन द सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कुछ दिए हुए हैं, उनसे अगर जल्दी से हो सके आपके पास टाइम है तो प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए, नहीं होता तो मॉर्निंग में कर लीजिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो दोज रिएक्शन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। आई होप ये क्लियर कर पाया हूँ मैं आपको केमिकल रिएक्शन के लिए। थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ, डिटेल में अगर देखें सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, एक्शन ऑफ वाटर ऑफ क्विक क्लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये आप समझ लो इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, आयरन नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। गाइस ये सब उम्मीद है ये जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन इतने अच्छे तरीके से किसी ने नहीं किया हुआ, तो राइट डाउन कर लो, नहीं होता है स्क्रीन शॉट ले लो, ये हेल्पफुल होगा ही आप, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑन करोजन एंड रेंसिडिटी आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन दिस पेपर। सो गाइज इतना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके जाइए, ठीक है। अभी देख लेते हैं 3 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किससे, एसिड बेस एंड साल्ट से, एक्सपेक्टेड वेट इज 3 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन देखना है, रिएक्शन देखना है आपको, यूजेज ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस देखना है, किसका किसका देखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना है, ब्लीचिंग पाउडर देखना है, बेकिंग सोडा देख के जाना है, वॉशिंग सोडा देख के जाना है, और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा वो आपको देख के जाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो उम्मीद है ये सब काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लीज़ गो थ्रू कर लो एक बार अच्छे से। चलिए और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते, इसमें भी इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो रहेगा हमारे लिए, फ्रॉम द सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस लाइक HCl NH ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन लाइक लिटमस सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मैं बोलूँगा, जिंक मेटल देख के जाइए, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट देख के जाइए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज़ 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 करके जाइए। ये वीडियो अगर हो सके तो उनको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जो कि अभी तक सोए हुए हैं, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सपेक्टेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स के लिए, क्या देख के आपको जाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल फिजिकल एंड केमिकल दोनों देख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, NaCl MgCl2, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे बेसिक टर्म्स यूज इन मेटलर्जी, कैल्सिनेशन रोस्टिंग फिज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग के टाइम से ये क्वेश्चन इस पर आ रहे तो ऑब्वियसली इस पर हम भी आएंगे। एक्टिविटी सीरीज देख लो, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी ईजी, इससे बाहर तो आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो आप लास्ट टाइम जो है वो प्लीज़ देख के जाओ, कार्बोनेट्स कंपाउंड देख लो 5 मार्क्स के लिए है, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग देख के जाइए, कार्बन कंपाउंड मेन रीजन ऑफ फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कैटनेशन टेस्ट टेट्रा वैलेंसी का देख लीजिए, देन आप देख लो होमोलोग सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आएंगे, आपके बुक में दिया हुआ है हैलोजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन अल्कोहल OH का कीटोन जो है आपका एल्डिहाइड एल्केन एल्काइंस सब 111 111, ये सब करके जाइए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बार बार रिपीट होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके जाइए, उसमें भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड देख लो आप, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का डिफरेंस देख लो, सोड्स सोप्स एंड डिटर्जेंट का जो है थ्योरी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते, नेक्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे,
हम ले रहे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक्सपेक्टेड है 5 मार्क्स, काफ़ी ईजी है। ग्रेडुएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, इतने ही देख के जाने हैं, ठीक है। उम्मीद है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपके लिए क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है लाइफ प्रोसेस पे। लाइफ प्रोसेस में एक्सपेक्टेड 7 मार्क्स, कंप्लीट थ्योरी है, फोटोसिंथेसिस जो आप शुरू से करते आ रहे हो, एक बार भी आपने रीडिंग किया चल जाएगा आपका काम। डाइजेशन पे आप लिख सकते हो, कुछ तो भी लिख सकते हो, मेन पॉइंट फिगर देख लेना, रेस्पिरेशन देख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये दोनों देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। लाइक एक्सर्सन और इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैं बात कर रहा था वीडियो के शुरू में, वो देख लेते हो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। गाइज इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, माउथ कैविटी, ये सब अच्छे से पूरा एक्सप्लेन। ये टर्म्स आप प्लीज़ मत भूलो, टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म्स आपको भूलना नहीं है, टर्म्स भूल गए काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से डायग्राम देख के जाइए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा ह्यूमन हार्ट का, ऑलरेडी हमने वीडियो में एक बनाया है, यहाँ पे बस एक मैं ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वेना, कैवा, ये सब जितने भी है आप रट लो, अभी भी रट लो, कहीं पे लिख लिख के रट लो, अदरवाइज काफ़ी लेट हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ का क्रॉस सेक्शन का आएगा, प्लीज़ देख लो, रट लो, ठीक है। यहाँ पे भी वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके रट लो, काम बन जाएगा आपका, चलो ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमोबा, सो न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल्स है, ये आपको थोड़ा अच्छे से करना है। सेकंड पार्ट में ए बी फिगर में आएगा, इस तरह से आपको एक अच्छे से फिगर बनना के अगर आप कर दे तो वहाँ पे तो 100% आपको मार्क्स आएंगे, एक मार्क्स भी कोई आपका कट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट ले लें एक्सेलरेटरी सिस्टम, आपको इस तरह से पूरे ढंग से एक्सप्लेन करके दिखाना है डायग्राम, ओके। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 5 मार्क्स का वेटेज है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हनमा एंड नर्वस सिस्टम। सो इतने टॉपिक्स है, ये अच्छे से कर लो, और दो और टॉपिक जो वॉलेंट्री इन वॉलेंट्री रिफ्लेक्शन केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपने देखा होगा, आपके सारे ऐसे टर्म में भी आ रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूक्लियस, डेंड्रिट, ये अच्छे से देख लो, एक्सॉन, सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, उम्मीद है आपको अभी तक याद होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, फोर ब्रेन, सेरेब्रम, ये आप अच्छे से एक बार रट के चले जाओ, काम आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं चैप्टर 8 से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर इस चैप्टर में अगर डिस्कस करें, एक्सपेक्टेड है 10 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें आपको जाना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सेफ सेक्स, HIV एड्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम अगर हम देखें कौन सा आ सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलिन एंड स्टिग्मा, पोलिन एंड स्टिग्मा का आप अच्छे से डायग्राम बना लो, जैसे आप देखते हो पोलिन यहाँ पे, स्टिग्मा यहाँ पे, मेल जर्म सेल यहाँ पे, ओके। आपके स्क्रीन पे पूरे ही ये पे वीडियो आ रहे हैं, आपको होपफुली ये क्लियर रहेगा, राइट इट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम कम है। अगर बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है, बर्ड्स का भी आएगा ये बडिंग इन हाइड्रा का, वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। आई होप ये डायग्राम आपके लिए अभी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट है बाइनरी फ्यूजन इन अमोबा, फिगर देख सकते हो, स्टेप वाइज आपको ऐसा फ्यूजन दिखाना है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट ले लेते लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल, पसल, एंथर, पेटल, ये अच्छे से ये फिगर जो आपके स्क्रीन पे, प्लीज़ कर लो, ओके। चलिए और नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग ले रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एक्सपेक्टेड है 1 से 3 मार्क्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर समय नहीं है तो इस पर लास्ट में आप फोकस करना। हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट, सेक्स डिटर्मिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन। नेक्स्ट ले लेते, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का एक्सपेक्टेड 7 मार्क्स का। बेसिक टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, ये सब जो बेसिक्स है वो तो आपको देखना है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट 6 जो इमेजेस है कॉन्केव के और 2 कॉन्वेक्स के, वो सारे फिगर हमने दिखा दिए, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के फार्मूला, न्यूमेरिकल, नो डेरिवेशन जरूरत नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल करके जाइए, ओके। और न्यूमेरिकल आपको किस पे देखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से न्यूमेरिकल देखिए, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्योरी देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल लेंस देख के जाइए, इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकल आपको देख के जाना पड़ेगा, पावर ऑफ लेंस जो चीज़ है 1/फोकल लेंथ, वो आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ले लेते ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, 5 मार्क्स का है। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है,
डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन देख के जाना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो ये सब जो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बताया भी है, डायग्राम वहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है। उसका डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट डेली लाइफ एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल दे दो बहुत अच्छी बात है। चलिए अपने देते इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेक्टेड 8 मार्क्स का है, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये तीनों पे अच्छे से बेसिक जो आपका क्लियर होना चाहिए। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स वो आपको दिखाना है, डिफरेंट फैक्टर्स जो है, लाइक वी नो द फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है वो आप देख लेना। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो आपको पता ही होगा अभी तक, हीटिंग इफेक्ट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, इलेक्ट्रिक पावर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वो सारे देख लेना। पावर रिलेशन जितने भी है वो आप देख लेना, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये सारे देख के जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सपेक्टेड है 5 मार्क्स। मैग्नेटिक इफेक्ट का थ्योरी आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल और सोलेनोइड, फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देखना इंड्यूस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मॉडल जनरेटर ए वी एंड डी सी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, जस्ट अ थ्योरी चैप्टर 1 मार्क्स, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी खुद से भी आप लिख दोगे, कोई जरूरत नहीं उतना, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, तो ये सब ऐसे टॉपिक जो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। बायोगैस हो गया, विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट ले लेते आवर इन्वायरमेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आप खुद से लिख सकते हो, लाइक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, ओजोन डिप्लीशन, O3 जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इकोसिस्टम क्या है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वाटर प्रोडक्शन, दे सब्सटेंस। फिर मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड है 3 मार्क्स, मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपको देख के जाने, कंजर्वेशन एंड जुडिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देख के जाने। फिर आपको देख के जाना बिग डैम एडवांटेज, लिमिटेशन, अल्टरनेटिव, वाटर हार्वेस्टिंग, एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिकुलेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके बाद आपको देख के जाना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो गाइज अगर आपने इतने भी देख लिए टॉपिक तो 100% आपका रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।